आदाब नाज़रीन, आइए आज एक फिर एक ऐसा वाकया पेश आया MS कॉलेज शालीबंडा न्यू रोड, जहां पर से एक बच्ची की फिर कुछ ऐसी हरकत होते हुए जो है यहां पर एक वाकया पेश आया। हम प्रीवियस में भी जो है सबिता इंदिरा रेड्डी एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी और कलेक्टर साहब से भी जो है अपील की थी हमारे चैनल के जरिए कि जो है कई कॉलेजेस में जो है यहाँ पर जो है प्लेग्राउंड्स नहीं है, पार्किंग नहीं है, फायर सेफ्टी नहीं है, अभी सिक्योरिटी का मसला आ चुका है, तो लिहाजा जो है इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये वाकया हुसैन इलम PS में का है, जो हमारी इतलाहत तक जो है सुबह में कॉलेज को जो है 9:45 एक फ़ोन आता है कि जो है बच्ची के मदर बात कर रहे हैं और वह बच्ची को जो है छोड़िए। जब थोड़ी देर के बाद फिर कॉलेज में ख्याल आता है कि जो है ये लैंडलाइन से फ़ोन नंबर था, फिर जो है फादर को उनके कुछ इन्फॉर्म करते कि जो है आपके घर में कुछ हादसा है, ऐसा कोई आए थे, उसी वक्त जो है घर के फैमिली मेम्बर्स पहुंचते हैं। काफ़ी टाइम के बाद में जो है बच्ची वहीं फिर कॉलेज को जो बच्चे के साथ में जाती है वो बच्चा जो है वहाँ वहीं पर ला कर छोड़ता है। वहाँ पर फैमिली मेम्बर्स और लोग मिलकर जो है बच्चे की जो है काफ़ी अच्छी ताशपोशी कर दी और उसके बाद PS को वो बुलाते हैं और PS को हैंड ओवर करते हैं। अभी PS में क्या होता है देखते हैं, केस होता है या क्या है, अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्ट पे, हमारे चैनल पर ये रिपोर्ट।